डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, सबसे पहले आप लोगों को सलाम। आज मैं एक और इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ और उसका नाम है डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फॉर्मल चार्ज। ये दो इंतहाई अहम कॉन्सेप्ट्स है केमिस्ट्री के, और बदकिस्मत ये है कि वो यहाँ पे चार्जेस भी तकरीबन सेम बनते हैं और स्टूडेंट को फिर कन्फ्यूजन्स होती है कि यहाँ पे फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट किसके लिए इस्तेमाल होता है और ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट किसके लिए इस्तेमाल होता है। तो ये बिल्कुल दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं और इनके बिल्कुल डिफरेंट एप्लीकेशंस ही है। तो मैं सबसे पहले इनको डिफाइन कर लेता हूँ, फिर आपको ये बताता हूँ कि इन दोनों में फ़र्क क्या है और इस फर्क का फायदा उठाते हुए हम इसको कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूं और फॉर्मल चार्ज को डिफाइन कर लेता हूं। तो फॉर्मल चार्ज को डिफाइन करने के लिए मैं अमोनिया का एक एग्जांपल लेता हूं। अमोनिया का लीवर स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने लिख लिया है। यहां पे आपके साथ यह है बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, लिहाजा अमोनिया में हमारे साथ थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो इज ए बॉन्डिंग पेयर्स मौजूद है और एक आपके साथ लोन पेयर के तौर पर मौजूद है। अब अगर आपको मैं कहूं कि व्हाट इज फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज मींस के आप इस तरह कर ले के अगर आप नाइट्रोजन में तमाम बॉन्ड को आप बिल्कुल कोवेलेंट बांड तस्वर कर ले और ऐसे कोवेलेंट बांड तस्वर कर ले कि आप ये कहें कि इसमें इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इक्वली शेयर हो चुके हैं, जिसको हम कहते हैं कि आप इसको आर्बिट्री रूल्स के तौर पर ले लें कि जिसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है बल्कि एक मसले को ओवरकम करने के लिए हमने ये सपोज किया है। अब यहां पर अगर आप देखें तो वी हैव बांड पेयर एंड बांड पेयर। अब आप इस तरह कर ले कि नाइट्रोजन के अपनी जो इलेक्ट्रॉन है जिसको हम नाम देते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको मैंने यहां पे नाम दिया है एल। एल मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द बॉन्डेड एटम इज ए लोन पेयर। अब अगर आप देख ले ये नाइट्रोजन, इसने बॉन्ड बनाए हैं और यहां पे अगर आप देख ले तो आपके साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ये दो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इज ए लोन पेयर ऑन दिस वेरी नाइट्रोजन, जो जिसने बॉन्ड ऑलरेडी बनाया है। तो आप इस तरह कर लें कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स आप ले ले इज ए लोन पेयर, आप ये ले ले, आपने ये नोट कर लिए। फिर इसके बाद आपके साथ ये है बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। अब आप इस तरह कर ले कि बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर टोटल इलेक्ट्रॉन जो इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड पेयर के हिस्से में आते हैं, बिकॉज बॉन्ड पेयर दोनों एटम का ही जो है वो इलेक्ट्रॉन्स तस्वर किए जाते हैं। तो लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की भी हैं, हाइड्रोजन की भी हैं, ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं और हाइड्रोजन के हैं, ये इलेक्ट्रॉन भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के हैं। तो लिहाजा यहाँ पर अगर आपको मैं कहूँ कि नाइट्रोजन के साथ टोटल यानी जो बॉन्ड पेयर्स वाले इलेक्ट्रॉन है तो 2+2+2 वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप इस तरह कर ले के ये आ जाएंगे बी आपके साथ आ जाएगा 6। अब अगर आपको मैं ये कहूं कि चूंकि ये बॉन्ड मैं कोवेलेंट बॉन्ड तस्वर करता हूं और मैं ये कहता हूं कि इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन पेयर, इस एक इलेक्ट्रॉन पेयर में एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, तो लिहाजा इस बॉन्ड पेयर में नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन बनता है, हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का और आपके साथ एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। यानी मैं इसको अगर इस तरह से शो कर लूं तो आप ये तस्वर कर ले कि ये एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है और दूसरा हाइड्रोजन का है, ले लिए। अब इस काम को आसान बनाने के लिए मैंने लिख लिया है कि आपके साथ जो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के साथ आ जाएंगे, तो इस पेयर में भी एक इलेक्ट्रॉन, और अगर आप देख ले इस पेयर में भी एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक हाइड्रोजन का, और इस पेयर में भी एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का और एक हाइड्रोजन का। अब
मैं ये लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपके साथ नाइट्रोजन कैरी करता है तो आपके साथ आ जाएंगे 3। तो लिहाजा मैं लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है जो नाइट्रोजन के साथ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन, तो ये आपके साथ आ जाएंगे 3। या मैं बल्कि ज्यादा इसको अच्छी तरीके से लिख लूंगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन जो आपके साथ एज ए बॉन्ड मौजूद है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो ये है आपके साथ 3। बी ऑलरेडी आपको बताता है। तो ये 3 कहां से आ गया? इस 6 को मैंने 2 पे डिवाइड किया। 2 पे क्यों डिवाइड किया? बिकॉज हर एक पेयर में नाइट्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन ही मिलता है। अब आप इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को जमा कर लें, यानी आप लिख सकते हैं कि L प्लस और ये आपके साथ 1 डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू L। L आपके साथ है वो इलेक्ट्रॉन्स जो लोन पेयर में मौजूद है, प्लस आप लिख सकते हैं 1/2, और आप यहां पे देख ले तो आपके साथ B टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो नाइट्रोजन के साथ मौजूद है वो तो 6 है, लेकिन नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? तो आप इसको क्या कर लें, यहां पे आप लिख लें 6, तो यह आ जाएगा आपके साथ 2 प्लस यह आ जाएगा आपके साथ 3, तो यह बनेगा आपके साथ 5। अब यहां पे अगर आपको मैं कहूं कि व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज, तो फॉर्मल चार्ज मालूम करने के लिए हम लोगों ने ये पार्ट मालूम किया, हम लोगों ने एल प्लस 1/2 बी हम लोगों ने मालूम कर लिया। लेकिन अब नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज के लिए वी नीड वी, वी मींस कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो ये पीरियाडिक टेबल आपके सामने पड़ा है, तो नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर ये है 5A। तो जो ग्रुप नंबर होता है उतनी ही उसमें आप लोगों के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई बंदा आपसे पूछे कि आप लोगों के साथ जो हैलोजन्स है तो उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, बिकॉज इसका ग्रुप नंबर क्या है? इसका ग्रुप नंबर है 7। तो यहां पे अगर आप लोगों को मैं कहूं कि फॉर्मल चार्ज फॉर नाइट्रोजन ये किसके बराबर आ जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा वी नाइट्रोजन का वैलेंस शेल, नाइट्रोजन का जहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो है 5 माइनस, आप लोगों ने ऑलरेडी मालूम किया एल प्लस 1/2 बी, तो ये भी आपके साथ आ गया 5, तो ओवरऑल इट इज इक्वल टू 0। तो यहां पे नाइट्रोजन पे कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं है, तो लिहाजा मैं लिख लेता हूं कि नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज आप लोगों के साथ 0 के बराबर है। अब अगर आपको मैं कहूं कि व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज फॉर हाइड्रोजन, तो आप डायरेक्टली इसको लिख लेंगे कि फॉर्मल चार्ज फॉर हाइड्रोजन बराबर है वी फॉर हाइड्रोजन आप लोगों के साथ बराबर है 1, आप लिखेंगे माइनस, फिर आप लिखेंगे यहां पे पेरेंथेसिस, तो 1 माइनस, और यहां पे अगर आप लोग देख ले तो इस हाइड्रोजन का ये है बॉन्ड पेयर ये। अब अगर आप यहां पे देख ले तो आप लोगों के साथ L हाइड्रोजन के साथ कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो लिहाजा ये आ जाएगा आपके साथ 0 प्लस आप लिखेंगे 1/2। 1/2 हम इसलिए लिखते हैं कि इस बॉन्ड पेयर में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होता है और दूसरा नाइट्रोजन का होता है, हम इसको जस्ट डिवाइड कर लेते हैं, तो आप 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये बनेगा 1-1, ये बराबर आ जाएगा 0, तो फॉर्मल चार्ज यहां पर भी 0, यहां पर भी 0 और यहां पर भी 0, और टोटल फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑल एटम्स वो बराबर होगा मॉलिक्यूल पे जो टोटल चार्ज होगा। अगर वो न्यूट्रल है तो वो 0 के बराबर आ जाएगा, अगर कोई ये आपके साथ मॉलिक्यूलर आयन है तो फिर ये प्लस या माइनस के बराबर होगा, जो डिपेंड करेगा कि आपके मॉलिक्यूल पे, यानी मॉलिक्यूलर यानी आपके जो आयन्स है इस पे कौन सा चार्ज है।
अब यहां पे देखें तो ये तो मैंने आपको फॉर्मूले के थ्रू समझाने की कोशिश की है। अब यहां पे अगर आप लोगों से मैं सवाल पूछूं कि फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन पे कितना है, जीरो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो फॉर्मल चार्ज मैं बहुत सिंपल वर्ड में इस तरह से कह सकता हूं कि अगर आप किसी मॉलिक्यूल में या किसी आयन में अगर आप किसी एटम पे फॉर्मल चार्ज मालूम करना चाहते हैं तो आप उस एटम के इर्द गिर्द जो बॉन्ड पेयर है वो यानी उनके इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट कर ले, इसको दो पे डिवाइड कर ले। जिस तरह मैं बी को मैंने ले लिया और इसको मैंने टू पे डिवाइड किया, क्यों? ताकि उस एटम के अपने इलेक्ट्रॉन आप मालूम कर सकें। फिर इसके बाद अगर उसके साथ कुछ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 1/2 बी के साथ जमा कर लें और फिर इसको ग्रुप नंबर के साथ इसका डिफरेंस मालूम कर लें। जिस तरह नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर B5, तो जो ग्रुप नंबर के साथ आप इसका डिफरेंस मालूम कर ले तो अगर ये डिफरेंस प्लस में आता है इट मींस यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ग्रुप के मुकाबले में कम है, और अगर ये डिफरेंस माइनस में आता है तो इट मींस कि ग्रुप के मुकाबले में यहां पे इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो वो चार्ज आप उसके ऊपर लगाएं तो हम इसको नाम देंगे फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज हम क्यों लिखते हैं? इसके जरिए हम किसी लीव स्ट्रक्चर को डिसाइड कर सकते हैं कि ये डोमिनेंट स्ट्रक्चर है या डोमिनेंट स्ट्रक्चर नहीं है। तो अब यहां पर उसकी तरफ हम बाद में आते हैं, लेकिन यहां पे अब आप जरा अमोनिया पे गौर कर ले। हाइड्रोजन, 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 फॉर्मल चार्ज यानी फॉर्मल चार्जेस बराबर है जीरो और नाइट्रोजन पर भी जीरो, लेकिन इसके मुकाबले में आपके साथ ऑक्सीडेशन स्टेट वो टोटली एक डिफरेंट अप्रोच है, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप किसी मॉलिक्यूल में जितनी भी बॉन्ड्स है उन तमाम बॉन्ड्स को आप आयनिक बॉन्ड बनाए ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगेन यहां पे वी हैव आर्बिट्री रूल्स, तो फिर हर एक एटम पे जो चार्ज आएगा हम उसको नाम देंगे कि इट इज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल अगर आप अमोनिया पे गौर कर लें, अब अगर आपको मैं कहूं कि अमोनिया में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, तो यहां पे देखें ये है नाइट्रोजन और आपके साथ ये आप लोगों के साथ मौजूद है इट्स लीव स्ट्रक्चर। अब आप ये बॉन्ड मुकम्मल तौर पर आप आयनिक बॉन्ड बनाए। अब जरूरी बात है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के मुकाबले में कम है तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो अब मैं क्या कर लूंगा, मैं कहूंगा कि ये बॉन्ड मुकम्मल तौर पर आयनिक बन गया। अगर मैं मुकम्मल तौर पर इसको आयनिक बॉन्ड बनाऊं तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये गेन करेगा, तो हाइड्रोजन बनेगा +1, नाइट्रोजन यहां पे एक माइनस पैदा करेगा बिकॉज ये मैंने ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। अब आप इसको भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएं तो ये आपके साथ बनेगा हाइड्रोजन +1, ये भी आपके साथ बनेगा -1। अब आप ये बॉन्ड भी आप आयनिक कर ले तो ये बनेगा +1, ये बनेगा -1। अब देखें नाइट्रोजन पे यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट है -3 और हाइड्रोजन पे है +1। सेम अमोनिया अगर आप फॉर्मल चार्जेस देख ले तो फॉर्मल चार्जेस 0, 0 एंड 0, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का है -3 और हाइड्रोजन का है +1 अमोनिया में। तो अगर आप देखें दे आर टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अब सवाल यह है कि फॉर्मल चार्ज मालूम करने का तरीके भी हमने सीख लिया और मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बता दिया कि अगर आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में से एक एक इलेक्ट्रॉन उस एटम को दे दे और उनको जमा कर ले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ, यानी जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स है उनके साथ इनको जमा कर ले और फिर ग्रुप के साथ इसका फर्क देख ले, अगर ये इलेक्ट्रॉन ग्रुप के मुकाबले में कम हो तो इट मींस कि यहां पे आ जाएगा आप लोगों के साथ पॉजिटिव चार्ज, और अगर ये इलेक्ट्रॉन जो ये एटम लेता है अगर ये ज्यादा हो तो फिर इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब इनका बुनियादी फर्क क्या है? मसलन मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, लेट्स सी आप लोगों के साथ ये है एक मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल यहां पे आपके साथ है H2O। मैं कहता हूं कि H2O में आप फॉर्मल चार्जेस मालूम कर लें। कैसे आप मालूम करेंगे? अब आप फॉर्मूले की बजाय जस्ट यूज योर कॉमन सेंस। यहां पे देखिए ये है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ इसके जो एल है यानी वो इलेक्ट्रॉन जो लोन
पेयर्स का हिस्सा है। तो देख ले, ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाए हैं एक और ये दो, ये बॉन्डेड ऑक्सीजन है, इनके साथ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इज ए लोन पेयर मौजूद है, तो 2+2 ये है आपके साथ 4। तो लिहाजा मैं लिख लेता हूं कि L बराबर है 4 के। तो बॉन्ड पेयर में हर बॉन्डेड एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दे, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसका भी है और इसका भी है, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, तो इनको आप एक इलेक्ट्रॉन दे दे और एक इलेक्ट्रॉन आप इसको दे दे। तो लिहाजा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इस ऑक्सीजन के साथ मौजूद है, तो वो आपके साथ आ जाएंगे 2+2, 4, 5 और 6। लेकिन अगर आप को मैं कहूं कि टोटल बांडिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 2+2 ये आपके साथ आ गए 4। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ऑक्सीजन, तो लिहाजा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स विद ऑक्सीजन, तो ये बराबर आ जाएगा 1/2 × b, तो 1/2 × 2 × 2 और ये आपके साथ 4, तो इट इज इक्वल टू 2। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बन गए, अगर आप यहां पे देख ले, L ये बन गया आपके साथ 4 और 1/2 b ये भी आपके साथ बन गया 2, तो 6+2 इट इज इक्वल टू 6। तो ग्रुप नंबर कौन सा है ऑक्सीजन का, ग्रुप नंबर अगर आप यहां पे देख लें तो ग्रुप नंबर आप लोगों के सामने ऑक्सीजन का लिखा गया है 6, तो 6 से अगर आप 6 को माइनस कर लें, यानी मैं लिख सकता हूं कि फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू 6 माइनस L, L आपके साथ 4 प्लस आपके साथ ये 2, इट इज इक्वल टू 0। तो लिहाजा ऑक्सीजन पे नो चार्ज, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन आप इसको दे दे, तो हाइड्रोजन का ग्रुप नंबर है 1, नो डिफरेंस, तो 0 और 0। तो यहां पे तमाम के तमाम फॉर्मल चार्जेस वो H2O में 0 के बराबर ही है। लेकिन अगर आपको मैं कहूं कि H2O में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करने के लिए आप तमाम बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड के तौर पर ट्रीट कर लें, तो ये आपके साथ आ जाएगा ऑक्सीजन। और अगर आप यहां पे देख लें तो ये इलेक्ट्रॉन लास्ट करेगा, तो दिस इज +1, ये बनेगा -1, इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। बल्कि मैं इसको अलग अलग शो कर लेता हूं, दिस इज H+, ये आपके साथ ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर हम देते हैं ऑक्सीजन को, और हम तमाम के तमाम बॉन्ड को जो बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड ही होते हैं, हम इसको ट्रीट करते हैं आयनिक बॉन्ड। तो यहां पे हम लोग तमाम के तमाम बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड तस्वर करते हैं, और इक्वल स्ट्रेंथ वाले कोवेलेंट बॉन्ड, यानी मींस कि हम ये कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों के दरमियान ही है, और फिर इलेक्ट्रॉन पेयर का एक एक इलेक्ट्रॉन उस एटम को देते हैं और उनको जमा कर लेते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ, यानी जो L है उनके साथ, और फिर ग्रुप नंबर के साथ कंपेयर करते हैं। तो ग्रुप नंबर के मुकाबले में अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो पॉजिटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज। लेकिन यहां पे हम कंप्लीटली मॉलिक्यूल को ट्रीट कर लेते हैं एज ए आयनिक बॉन्ड। तो दोनों के फायदे क्या है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं और इसमें कोशिश कर लेता हूं कि आपको दोनों चीजें ही आपको समझा दूं और आप इसको सीख भी लें, ठीक है जी। तो लेट्स सी, ओके, अब फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक मॉलिक्यूल है और ये हमारे साथ एजाइड आयंस है। लेट्स सी, आप लोगों को मैं कहता हूं कि N3- आप इनके डिफरेंट लीव स्ट्रक्चर लेके और ये बताएं कि इन डिफरेंट लीव स्ट्रक्चर में कौन सा डोमिनेंट, यानी आपके साथ ज्यादा एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर है। तो लीव स्ट्रक्चर को मालूम करने के लिए हमारे साथ एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आप सबसे पहले क्या कर लें कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन मालूम कर लें, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन मालूम करने का सादा तरीका यह है कि आप इसका ग्रुप नंबर देखें। तो नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर है 5, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लिहाजा मैं लिख सकता हूं कि आप लोगों के साथ
नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो आपके साथ ये बनेंगे थ्री, थ्री है एटम्स, मल्टीप्लाइड बाय इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर नाइट्रोजन का है फाइव, तो फाइव इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक नेगेटिव चार्ज है तो आप इसको कर ले प्लस वन, तो यह आ जाएगा आपके साथ 16 इलेक्ट्रॉन। तो आपके साथ ये जो आयंस है इसमें आपके साथ टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर आपके साथ ये आयन अगर 16 इलेक्ट्रॉन रखता है तो इसमें पेयर्स कितने होंगे, तो लिहाजा मैं लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स आपके साथ पेयर्स कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स, तो आप लोगों के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने बनेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर्स 16 और डिवाइडेड बाई 2, ये बनेंगे आपके साथ 8 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब आपने इन 8 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को इस्तेमाल करने हैं और इससे आप लोगों ने पूरा ये आयन बनाना है। तो अब देखिए इसका सिंपल तरीका इस तरह है कि आप सबसे पहले इसका यानी बुनियादी अरेंजमेंट ऑफ एटम देख लें। तो बुनियादी अरेंजमेंट ऑफ एटम इसका कुछ यूं है कि दिस इज नाइट्रोजन एंड दिस इज नाइट्रोजन, ये है सेंट्रल एटम, ये और ये दोनों टर्मिनल एटम। तो आप लोगों ने सबसे पहले सेंट्रल एटम और टर्मिनल एटम्स के दरमियान आपने बॉन्ड बनाना है। तो मैंने सबसे पहले इनके दरमियान एक डॉट्स बना दिया, लेकिन डॉट्स की बजाय मैं जस्ट लिखता हूँ बॉन्ड और मैं लिख लेता हूँ बॉन्ड, ये मेरे साथ एक लाइन है और ये दो इलेक्ट्रॉनों के ही शो करता है। इसके बाद अगर आप यहां पे देख ले तो वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो दो चले गए, तो ये और ये, और आप लोगों के साथ अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है 2+2 4+2 6+2 8, इसके भी आप लोग ऑक्टेट देख ले 2 2 एंड 2। अब यहां पे देखे टोटल आपके साथ इलेक्ट्रॉन पेयर्स है 8, यहां पे कितने चले गए, ये 3 4 5 6 7 8, 8 चले गए। लेकिन हमारे साथ लीव स्ट्रक्चर में आपने ये कोशिश करनी है कि आपने ऑक्टेट रूल और आपने डुइट रूल इसको फॉलो करने की कोशिश, यानी यू पीपल शुड ट्राई टू फॉलो दीज रूल्स स्ट्रिक्टली। अगर ना हो फिर तो कुछ वायलेशन हो सकता है, लेकिन आपका जो पीरियड नंबर सेकंड है इसमें आप 8 से इलेक्ट्रॉनों की तादाद बढ़ा नहीं सकते हैं। तो ऑक्टेट रूल और डुइट रूल को आप अप्लाई किया करें। तो ऑक्टेट रूल अब यहाँ पे हम कैसे अप्लाई कर ले, इलेक्ट्रॉन तो हमारे साथ ख़त्म हो चुके हैं, तो अब अगर आपके साथ ये इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुके हैं तो अब आप क्या करेंगे, ये 2+2+2+2 ये कंप्लीट है, 2+2+2+2 8, इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, व्हाट अबाउट दिस, तो ये 2+2 चार तो है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन दो मजीद इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो आप लोगों को अब साइड यानी टर्मिनल एटम से ही आपने इलेक्ट्रॉन इनकी तरफ शिफ्ट करने हैं। तो अब कई पॉसिबिलिटीज जो है वो आपके साथ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके साथ एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप इस तरह कर ले के आप ये एक पेयर और ये एक पेयर आप यहां पर शेयर कर ले, तो आप लोगों के साथ ये बनेगा N, और आप लोगों के साथ जब आप ये एक पेयर यहाँ पे शेयर कर लें और आप ये एक पेयर शेयर कर लें तो आप लोगों के साथ ये बनेगा नाइट्रोजन, आपके साथ 3 बॉन्ड, और ये बनेगा एक ये, और ये बनेगा आप लोगों के साथ बॉन्ड N, ये और आपके साथ ये। अब अगर हम यहाँ पे देख लें तो आप लोगों के साथ 2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन जमा 2 4 5 एंड 6, ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, 2+2+2+2 8 ये भी फॉलो हो रहा है, 2+2+2+2 ये भी फॉलो हो रहा है। तो ये हमारे साथ एक लीविस स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन अब पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या है, पॉसिबिलिटी नंबर 2 ये है कि आप इस साइड से इलेक्ट्रॉनों को यानी इस साइड से शेयर करने की बजाय आप इस साइड से शेयर कर लें। तो जब आप इसको इस साइड से शेयर कर ले तो आप लोगों के साथ पॉसिबिलिटी ये है कि आप इसको यू लिख ले कि दिस इज एन, इसको आप अपने ही इलेक्ट्रॉन इस तरह से छोड़ दे और यहां पे आप इनको शेयर कर ले। तो जब आप इसको शेयर कर ले, जब आप एक शेयर कर ले
आप दूसरा शेयर कर ले तो यू पीपल विल हैव दिस अरेंजमेंट। अगर आप यहां पे देख ले तो यहां पर भी आपके साथ ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। लेकिन तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? तीसरी पॉसिबिलिटी आपके साथ यह है कि एक पेयर आप इस साइड से शेयर कर ले और एक पेयर आप इस साइड से, बिकॉज आपको फ्रीडम है कि आप ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले ताकि लीव स्ट्रक्चर आपके साथ हासिल हो जाए। तो मैं एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर से शेयर करता हूं, एक इधर से, तो देखें तो तीसरी पॉसिबिलिटी यह है कि आप लेके एन, दिस इज एन, एक पेयर आप ये लेके एक पेयर को आप इसी तरह छोड़ दे, आपने एक पेयर को ही शेयर किया, ये मैंने शेयर कर लिया ये, और यहां पे मैंने दूसरे पेयर इस साइड से शेयर कर लिया, एक पहले से मौजूद था, एक इलेक्ट्रॉन पेयर मैंने शेयर कर लिया, तो ये बन गया एन और आपके साथ एन। अब हमारे साथ इस एजाइड आयन्स के लिए वी हैव थ्री लीव स्ट्रक्चर्स। इसका मकसद तो फिर ये है कि हम एजाइड आयन्स का स्ट्रक्चर हम एक लीव स्ट्रक्चर से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और इन स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं कि दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। लिहाजा आपके साथ ये भी एक स्ट्रक्चर है, आपके साथ ये भी एक स्ट्रक्चर है, दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर हमें ज्यादा एक्सेप्टेबल है? तो यहां पे हम इस्तेमाल करेंगे आइडिया ऑफ फॉर्मल चार्जेस। अब सबसे पहले आप लीव स्ट्रक्चर को ड्रा करने के बाद इसके लिए फॉर्मल चार्जेस ड्रा कर लें। तो फॉर्मल चार्जेस का आसान तरीका देख लें, इसके साथ जो एल है, जो इनके साथ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है इज ए लोन पेयर, तो इन इलेक्ट्रॉनों की तादाद है आपके साथ दो। बॉन्ड पेयर में इनको एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब कितने बॉन्ड पेयर है, एक दो तीन, तीन बॉन्ड पेयर के अंदर है सिक्स इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको मैं कहूं कि इस नाइट्रोजन के हिस्से में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो आप ये छह इलेक्ट्रॉन्स जो है इसको दो पे डिवाइड कर लो, बिकॉज ये दो एटम्स के दरमियान ही मौजूद है। या अगर आप ज्यादा जो है चीजों को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो ये एक बॉन्ड है, तो इस एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को दे दे, बिकॉज दूसरा इसका है, तो दो तीन चार पांच, या आप पेयर को जमा कर ले फिर दो पे डिवाइड कर ले, तो ऑटोमेटिकली इस एटम की भी इलेक्ट्रॉन मालूम हो जाएंगे इसकी भी। लेकिन अगर आप और भी सिंप्लीफाइड करना चाहते हैं तो टू थ्री फोर फाइव, देखें टू ये तो इसके अपने इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड पेयर में, एक दो तीन, तो टू प्लस थ्री, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो इसके साथ आ जाएंगे वो है फाइव। तो व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ नाइट्रोजन, फाइव, तो फाइव माइनस फाइव जीरो, तो इस नाइट्रोजन पे जो फॉर्मल चार्ज बनेगा वो होगा जीरो। नाउ इस नाइट्रोजन को देख ले, तो आपके साथ यहां भी देख ले कोई लोन पेयर नहीं है, एल जीरो के बराबर है, तो वन टू थ्री फोर, बिकॉज अब देखिए इस नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, एक दो तीन चार, अब ये बॉन्ड जितना इस नाइट्रोजन का है उतना इसका भी है, और ये जो बॉन्ड है एक दो तीन ये भी इसी का ही है। तो अब अगर आपको मैं कहूं कि आप इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मालूम कर ले, तो एक दो तीन चार, तो अब आप इस तरह कर ले कि इसमें आप इलेक्ट्रॉन्स को मालूम कर ले, और इनका आसान तरीका क्या है कि एक दो तीन चार, या दो जमा दो चार जमा दो छह जमा दो आठ, आठ को दो पे डिवाइड कर ले। जब आप इसको दो पे डिवाइड कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके साथ आ जाएंगे चार फोर। तो लिहाजा मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं कि इट इज इक्वल टू प्लस वन, वाई प्लस वन, बिकॉज इसके साथ इलेक्ट्रॉन कितने बनते हैं, एक दो तीन चार, चार इलेक्ट्रॉन बनते हैं, तो चार इलेक्ट्रॉन, और ग्रुप नंबर इसका कौन सा है, फाइव, तो फाइव है इसका ग्रुप नंबर, तो फाइव इलेक्ट्रॉन माइनस फोर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आप लोगों के साथ ज्यादा बन रहा है, नॉट कम बल्कि यहां पर ज्यादा बन रहा है, तो सॉरी कम बन रहा है, अगर कम बन रहा है ग्रुप के मुकाबले में, इट मींस इट इज प्लस वन, सॉरी ओके। यहां पे अगर आप लोग देखें दो जमा दो चार जमा दो छह जमा दो आठ, अब जरा इस पे गौर कर लें, आपके ट्रू तो फॉलो हो रहा है, लेकिन दो जमा दो चार जमा दो छह ये इसके अपने इलेक्ट्रॉन है, और बॉन्ड पेयर में आप एक इलेक्ट्रॉन दे दें, सात, ग्रुप नंबर कौन सा है, ग्रुप नंबर है पांच, इसके साथ इलेक्ट्रॉन कितने बन रहे हैं, सात, कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ग्रुप नंबर के मुकाबले में, दो, तो आप यहां पे लिख ले इसको माइनस टू।
अब मैं जरा जल्दी जल्दी जाऊंगा, यहां पे देख ले, दो जमा दो चार, पांच छ, दो चार पांच छ, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है माइनस वन। यहां पे देख ले, एक दो तीन चार, चार इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप नंबर है पांच, एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये बनेगा आपके साथ प्लस वन। अगर ग्रुप के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए तो आप लिख लिया करें माइनस, अगर ग्रुप के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो आप लेकर करें उतनी ही प्लस। तो कितने इलेक्ट्रॉन कम है, एक दो तीन चार, चार इलेक्ट्रॉन इसके साथ बनते हैं और ग्रुप नंबर है पांच, तो उसके मुकाबले में एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ता है, तो आप इसको लिख ले प्लस। तो ये बनेगा टू प्लस टू फोर, फाइव एंड सिक्स, तो एक इलेक्ट्रॉन आपके साथ ज्यादा। अच्छा, यहां पे कुछ इस स्ट्रक्चर भी आप गौर कर ले, तो टू प्लस टू प्लस टू सिक्स, वन तो आपके साथ सिक्स, और एक और तो आपके साथ माइनस टू, एक दो तीन चार तो आपके साथ प्लस वन, और यहां पे दो तीन चार पांच, इट इज इक्वल टू जीरो। अब सवाल यह है कि पहला कंडीशन कि जितनी भी आपके साथ स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्जेस बन जाए उनका सम आपके नेट चार्ज ऑफ आयन के बराबर होना चाहिए। तो आप यहां पे देख लें, तो आपके साथ ये है जीरो प्लस वन माइनस टू, इट इज इक्वल टू माइनस वन, वो है माइनस वन, माइनस वन प्लस वन कैंसल आउट, इट इज अगेन माइनस वन, तो माइनस टू प्लस वन, इट इज इक्वल टू माइनस वन। तो ये पहला रूल जो है वो तो दोनों फॉलो कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि तीनों लीव स्ट्रक्चर है, तीनों में से जो फॉर्मल चार्जेस का पहला रूल है कि नेट सम उसके बराबर होना चाहिए, फॉलो कर रहे हैं, ये जितने भी आप के स्ट्रक्चर्स होंगे उनके लिए पहला रिक्वायरमेंट ये है कि जितने फॉर्मल चार्जेस हो वो नेट चार्ज के बराबर होना चाहिए। अगर आपके साथ मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल है तो नेट फॉर्मल चार्जेस का सम जीरो होगा, लेकिन अगर आपके साथ कोई आयन है अगर पॉजिटिव है तो फॉर्मल चार्जेस का सम उस पॉजिटिव के बराबर होगा, अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव के बराबर ही होगा। अच्छा, अब यहां पे देखिए रूल नंबर टू, चार्जेस कम से कम होने चाहिए। तो अब अगर आप यहां पे देख ले, कम चार्जेस इसमें है माइनस वन प्लस वन माइनस वन, इसमें कम से कम चार्जेस हैं। कम चार्जेस जब मैं कहता हूं तो आई मीन जीरो प्लस वन माइनस वन। तो यहां पे अगर आप देखें इट इज प्लस वन इट इज माइनस टू, ये चार्ज ज्यादा है। आप लोगों के साथ माइनस टू प्लस वन, यहां पर भी आपके साथ माइनस टू है, तो ये दो चार्जेस ये तो प्रॉब्लम ही कर रहे हैं, बिकॉज यहां पे हमें ज्यादा चार्जेस एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ज्यादा चार्जेस वाला डायरेक्टली जो है आप लोग क्रॉस करते चले जाएं कि ये हमारे साथ ज्यादा यानी इट इज नॉट अ प्लॉजिबल स्ट्रक्चर। तो लिहाजा ये डोमिनेंट स्ट्रक्चर नहीं है, बिकॉज एप्टीट्यूड को ये फॉलो कर रहा है, लेकिन हमारे साथ यहां पे माइनस जो है वो नेगेटिव चार्जेस ज्यादा डिवेलप हो रहे हैं, फॉर्मल चार्जेस की मकदार मतलब है कि किसी एटम पे ज्यादा है, जितने ज्यादा फॉर्मल चार्जेस बनेंगे एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है ये भी। अब यहां पे देखिए फॉर्मल चार्जेस यहां पे क्या है, कम है, तो लिहाजा माइनस वन प्लस वन माइनस वन, तो ये टोटल सम ना देखा करेगा। आप कहेंगे इसका टोटल सम इसका इसका ये तो सेम है, नो, हर एक इंडिविजुअल एटम के फॉर्मल चार्जेस की जो मकदार है न्यूमेरिकल वैल्यू है वो देखा करें। यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस वन प्लस सॉरी प्लस वन माइनस वन माइनस वन, न्यूमेरिकल वैल्यूज माइनस टू एंड माइनस टू, तो ये हमें ज्यादा जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो लिहाजा ये स्ट्रक्चर हमें सबसे ज्यादा ही एक्सेप्टेबल है, नॉट दिस टू। मेरे ख्याल में कि बात क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा, फॉर्मल चार्जेस आप ये डिसीजन कर सकते हैं कि जब आप कई लीव स्ट्रक्चर लेके तो इसमें से डोमिनेंट स्ट्रक्चर कौन सा होगा, तो इनमें से जो डोमिनेंट स्ट्रक्चर है वो आपके साथ ये है डोमिनेंट, ये और ये ज्यादा डोमिनेंट नहीं है, क्लियर। अच्छा, अब ऑक्सीडेशन स्टेट का फिर क्या फायदा है, चार्जेस तो पैदा हो गए, ऑक्सीडेशन स्टेट में हम तमाम चीजों को ट्रीट कर लेते हैं एज ए आयनिक बॉन्ड और इस पे जो चार्ज बनता है फिर उसको देखते हैं। इसके जरिए हम रेडॉक्स रिएक्शन को डिसाइड करते हैं कि वेदर यहां पे रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, ऑक्सीडेशन किसकी हो गई है, रिडक्शन किसकी हो गई है। मसलन कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को मैं कहता हूं कि आपके साथ ये एक रिएक्शन है हाइड्रोजन प्लस आपके साथ ऑक्सीजन, दिस प्रोड्यूस H2O। अब अगर आप लोगों से मैं पहला सवाल ये पूछूं कि ये बताओ कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है,
तो आप सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट को असाइन कर ले, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में दोनों एटम एक जैसे हैं, और मैंने कहा था कि आप इसको आयनिक बांड बनाएं, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो मैं इसको आयनिक बांड नहीं बना सकता। आयनिक बांड के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हम जरूर तस्वर कर लेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। लेकिन जब आप H2O की तरफ आ जाएं, तो आप इस बांड को मुकम्मल तौर पर आयनिक बांड बनाए, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लॉस, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लॉस, तो इस हाइड्रोजन पे प्लस वन, ये माइनस टू, और ये आपके साथ प्लस वन, दिस कैंसिल आउट। तो लिहाजा यहां पे ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट है माइनस टू, हाइड्रोजन प्लस वन एंड हाइड्रोजन प्लस वन, लिहाजा यहां पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन, ऑक्सीजन का माइनस टू। तो अब यहां पे देख ले, तो हाइड्रोजन जाता है फ्रॉम जीरो टू प्लस वन, ऑक्सीजन फ्रॉम जीरो टू माइनस टू। तो हाइड्रोजन की हो रही है ऑक्सीडेशन, बिकॉज इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, इनकी हो रही है रिडक्शन। तो मेरे ख्याल में कि बात क्लियर हो चुकी होगी कि दोनों का फंक्शन भी डिफरेंट है, दोनों का आइडिया भी डिफरेंट है। तो मेरे ख्याल में कि अगर कोई कन्फ्यूजन अभी भी हो, तो आप लोग पूछ भी सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।